योगराज अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गए हैं। उनकी आत्मिक शांति के लिए श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग एवं रस्म क्रिया श्री देवीतला मंदिर स्थित राम हाल में की गई। इस मौके पर पंडितों ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय योगराज की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर पारिवारिक सदस्यों में पत्नी अरुणा प्रभाकर, राजीव प्रभाकर, संजीव प्रभाकर, अनूप प्रभाकर, गीता प्रभाकर, अनुराधा प्रभाकर, नम्रता प्रभाकर सहित राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय योगराज को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। बाबा नानक जी कह रहे कि नानक दुखिया, नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया। कौन सुखी है? सो सुखिया जित नाम अधार। जिसकी जेल में, जिसके हृदय में, जिसके पल्लू में प्रभु का नाम अधार हुआ, उस व्यक्ति ने फकीर के पास गया है, गठरी उठाई दुखों की गठरी उठा के फकीर के पास गया। फकीर कहने लगा कैसे आए? कहते सारे जहान के दुख मैनू मिले हैं, सारे जहान के दुख भगवान ने मुझे दे दिए। कहते ये तेरी गठरी है दुखों की, काम ये मेरे दुखों की गठरी है। जा ऐसा करो, उस कमरे में सभी लोगों ने अपने अपने दुखों की गठरी टांग के रखी है। दो आते हैं, दुखों की गठरी टांग जाते हैं। जाओ और वहां से जो हल्की लगे आपको हल्की लगे उठा के ले जाओ। जो भी गठरी आपको हल्की लगे आपकी गठरी से उसे उठा के ले जाओ। वो व्यक्ति गया, टटोलता है नहीं, ये मेरी गठरी से भारी है, वो मेरी गठरी से भारी है, वो मेरी गठरी से भारी है। आखिर में जब उसको अपनी गठरी हल्की लगी, चल पड़ा, अपनी गठरी लेकर चल पड़ा। फकीर कहने लगे तू तो वही गठरी लेके आया जो पहले आपके पास थी लेके आया थे। कहते जी मुझे अपने दुखों की जो गठरी है वो सभी से हल्की लगी, वो सभी भारी। मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाया जग, उच्चा चल के देखिया कर कर यही हो अग। तब महाराज कहेंगे नानक दुखिया सब बड़े बड़े जो जीसे लोग, अमीर तो अमीर, बड़े बड़े जो जीसे लोग, तिने व्यापे चिंता रोग। वो भी चिंता में जब सुन अछूता कोई नहीं है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, इस रास्ते से सबको गुजरना ही है। जिंदगी एक किराए पर है, जिंदगी एक किराए पर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तेरे साथी हैं जीते जीके, बाप बेटे और भाई भतीजे तेरे साथी हैं जीते जीके। अपने आंगन से उठना पड़ेगा, अपने आंगन से उठना पड़ेगा, अपनी चौखट से गा।